रानीगांव में एनजीओ संस्था कर्म दक्ष द्वारा कोविड 19 टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत कोटा के अंतर्गत रानीगांव में आज 28 जनवरी 2022 को एनजीओ संस्था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में गांव के लगभग 50 महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दी और अपने परिवार की सुरक्षा हेतु टीकाकरण कराने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में एनजीओ संस्था के प्रभारी श्री सुरेश पटेल, रजनी आवले एनजीओ फील्ड ऑफिसर, विधायक कमल, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत रानीगांव के सरपंच श्री श्रवण गहवई जी की उपस्थिति सराहनीय रही। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है, कर्म दक्ष संस्था जो है, बहुत ही समाज कल्याण और समाज सेवा के लिए कोरोना 19 कोविड में अपना योगदान दे रहा है और मैं भी इसमें इस संस्था के माध्यम से जुड़ा हूँ माननीय हमारे पटेल जी के उनके प्रेरणा से और मैं भी इसमें सेवा दे रहा हूँ। ये समाज सेवी संस्था जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जो है, ये बहुत सारा देश में हमारे राष्ट्र में समाज सेवा और समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। बता रहे थे हमारे अनुभवी सर लोग कि ये जो फाउंडेशन जो है प्रेमजी अजीम जी फाउंडेशन जो हम इसमें काम कर रहे हैं वो अपने इनकम का 10% समाज सेवा के लिए देते हैं और कहते हैं ना कहते हैं कि दान से दरिद्र नाश होता है, तो इसमें दान करने से 10 गुना उसका और इनकम बढ़ गया है प्रेमजी फाउंडेशन का। तो इस प्रकार ये समाज सेवा के ऊपर काम करते हैं तो हमको इससे प्रेरणा लेना चाहिए, हम भी समाज में समाज कार्य समाज सेवी संस्था का सम्मान करें और हम उनसे प्रेरणा लें और समाज का सेवा करें और समाज का लड़के अपना योगदान दें और कोविड 19 जो महामारी है उनके नियमों का पालन करें। बस यही कहकर मैं अपना बड़ी विराम देता हूँ। मैं एनजीओ से विधायक कमल। कर्मदक्ष संस्था पिछले 3 महीने से नवंबर से वैक्सीनेशन पे 100% वैक्सीनेशन पे काम कर रही है। ये कोटा ब्लॉक के 26 पंचायत में काम कर रहे हैं हम लोग और इसमें हम लोग चाहते हैं यही है कि सभी परिवार जो 18 वर्ष से ऊपर है या 15 से 18 साल वाले जो भी हैं उनका 100% वैक्सीनेशन हो जाए और इसमें संस्था पूरी तरह से जुड़ी हुई है। नाम बताइए। मैं सुरेश पटेल, कर्मदक्ष संस्था। रतनपुर से हरीश माड़वा की खास खबर।